आज जो है ये गोंडिया टाउन में कहां करंट मेडिकल साइंस एड्रेस नहीं करेगा, ऐसे स्थिति में हमारा न्यू आयुर्वेदा एड्रेस करने के लिए हमारा बेंगलुरु आकर के पूरा कंपनी फैक्ट्री सब देख करके डॉक्टर गायत्री देवी जी आई थी एंड उनका और मिस्टर जयंत शुक्ला जी का सहयोग से अभी इधर गोंडिया में क्लिनिक इन लोगों आज उद्घाटन ऑनरेबल एमपी साहब लोकल कर रहा है एंड मैं सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इसका उपयोग और आयुर्वेदिक पावर क्या है उसका उपयोग करें और जो आदमी होप्स खत्म हुआ है उसको होप्स ये वापस आना चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, मी डॉक्टर गायत्री सोनवाने आपलं मिरॅकल ड्रिंक्सच्या क्लिनिकच्या उद्घाटनमध्ये सर्वांचे स्वागत करते। मी मिरॅकल ड्रिंक्स ही बेंगलोरची कंपनी आहे, यामध्ये आयुर्वेदिक प्रॉडक्ट्स जे आपलं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आहे, मधुमेह झालं आहे, त्याच्यानंतर कॅन्सर झालेले आहेत आणि हायपरटेन्शन झालं, असे जे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आहेत त्यामध्ये खूप जास्त इफेक्टिव्ह आहे। आम्ही मिरॅकल ड्रिंक्सचे बँगलोरचे एस एन राजू सर आहेत, आयएस ऑफिसर, रिटायर आयएस ऑफिसर, त्यांनी आपल्या वडिलांवर आणि आपल्या मुलावर याचा प्रयोग करून त्यांनी ही मेडिसिन तयार केलेली आहे आणि तिथे खूप मोठी त्यांची फॅक्टरी आहे, 40 एकरमध्ये त्यांची फॅक्टरी आहे आणि त्या दक्षिण भारतमध्ये याचे खूप चांगले रिझल्ट आहे। तर आता आपण महाराष्ट्रामध्ये पण याचे कॅन्सरचे वगैरे पेशंट, त्यानंतर किडनी डिसीजचे, रिनल डिसीजचे पेशंटकरिता आपण त्यांनी हे महाराष्ट्रामध्ये आता आपल्याला उपलब्ध करून दिलेले आहे। तरी मिरॅकल ड्रिंक्स, मिरॅकल्स हे नाव ऐकल्यावरच आपल्याला वाटत असेल की मिरॅकल करणारे हे ड्रिंक्स आहेत। ड्रिंक्स म्हणजे लिक्विड्स आहेत आणि लिक्विड्सनंतर मिरॅकल म्हणजे जादूचं लिक्विड असं आपण याला म्हणू शकतो। म्हणजे कोणत्याही डिसीजवर हे जादू करणारं आहे। 10 दिवसामध्ये आपल्या कोणत्याही डिसीजचं, याच्यामध्ये वेट लॉसमध्येसुद्धा हे खूप चांगल्या प्रकारे काम करणार आहे। तरी आपण सर्वांनी या मिरॅकल ड्रिंक्सचा फायदा घ्यावा आणि आपण इथे श्रीजी कॉम्प्लेक्समध्ये आपलं क्लिनिक सुरू केलेलं आहे, इथे आम्ही 1 ते 7 वाजेपर्यंत ओपन राहणार आहे क्लिनिक। तरी आपण सर्वांनी येऊन यामध्ये आपल्याला डाएट प्लॅन पण सांगण्यात येईल आणि सरांचे जेवढे काही पेशंट क्युअर झालेले आहेत तर त्याची पण माहिती आपल्याला देण्यात येईल। त्यामुळे आपण यावे आणि या मिरॅकल ड्रिंक्स कंपनी थ्रू जे आयुर्वेदिक प्रॉडक्ट्स आहेत याचा आपण फायदा घ्यावा असे मी सर्वांना विनंती करते। धन्यवाद। और जो क्लिनिकल जो यहाँ पे क्लिनिक खुलने वाला है आयुर्वेदिक, उसके उद्घाटन समारंभ में उपस्थित जिनकी संकल्पना और जिनका इन्वेंशन है वो खुद यहाँ पधार रहे हैं, डॉक्टर एस एम राजू सर, उनके साथी यहाँ पे आए हुए हैं आदरणीय डॉक्टर डीके चौधरी जी, मेरे साथ में हमारे जिला परिषद के सभापति और युवा नेता हमारे माननीय श्री संजीव डेमरे, हमारे शहर अध्यक्ष सुनील जी केलंका, हमारे संगठन मंत्री संजय जी कुलकर्णी यहाँ पर उपस्थित, जिन्होंने इस कुछ आगे बढ़ाना है इस क्लिनिक को और इस पैथी को, ऐसे डॉक्टर गायत्री सुनवाने, तो अश्विनी जैन शुक्ला जी, अन्य हेमंत शुक्ला जी, योगेश जी सुनवाने, और जिनके माध्यम से, जिनके आग्रह से मैं यहाँ पे आया हूँ, ऐसे मेरे साथी और मेरे मित्र आदरणीय जैन शुक्ला जी, उपस्थित सभी इस पैथी पे विश्वास करने वाले और शुक्ला परिवार के सभी सहयोगी मित्र परिवार सभी और मेरे युवा साथी, वैसा तो आयुर्वेदिक पैथी ऐसी है कि जो अनंत काल से जो ट्रस्टेड है, टेस्टेड है, क्योंकि आपने भी देखा होगा अभी जो मेरी उम्र से या मेरे उम्र से ज्यादा भी है अभी भी हम लोग कई आयुर्वेदिक मेडिसिन घर में रेगुलर यूज करते हैं अलग अलग नाम से। हम काढ़ा बनाते हैं, कुछ भी हमारे सर्दी खांसी हो गई तो घर में हमारी जो माँ है या जो पुराने लोग हैं फटाक से काढ़ा बना के हमको पिला देते हैं।
बच्चों को अभी भी हम लोग कई तरह की घुटी घुटी पिलाते हैं, ये सब आयुर्वेदिक दवाइयों का ही माध्यम है। अब जैसे एक डॉक्टर साहब ने, राजू साहब ने जिस तरह से उसमें इन्वेंशन, अब हमारे पास क्या है, हमने घर को बनाया है, उन लोगों ने तो खास से इसको यूज करना चाहिए। और जहां तक हमारे आयुष मंत्रालय जिनकी मान्यता इनको प्राप्त है और जिनका नाम उन्होंने बताया, नाई साहब जो बहुत ही सारे अभ्यासक्ति हैं, बहुत पुराने नेता हैं हमारे, और उनके माध्यम से इनको जो परमिशन मिली है तो निश्चित ही इस पैथी में इनमें उनके विषय विश्वास रखना जैसे मुझे रखता है। और अगर ये मोदी जी भी आयुर्वेदिक को बढ़ावा देने के लिए जो जो पॉसिबल है वो सभी चीज करते रहते हैं, और ऐसे चीज़ों पर हम लोगों ने भी जाना की है, हर छोटे मोटे चीज़ के लिए एलोपैथिक दवाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे भी याद है, मैं भी अभी तक के, मेरी उम्र 54 साल की है, मैं कोई सर्दी जुकाम के लिए दवाई लेता नहीं, अभी भी लेता नहीं, मैं कोई डॉक्टर का देता है, बुखार आए तो बुखार सहन कर लूंगा तो अपने आप जाएगी, दो दिन तीन दिन रहेगी तो मैं चलते रहता हूँ, मेरा विश्वास है। और मुझे कभी कुछ हुआ सर्दी खांसी के लिए दवाई लेने के, तो बहुत सी बातें ऐसी कि हमारी जो बॉडी है वो खुद ही दवाई बनाती है। और हमारी ये जो इन लोग बता रहे जो कि फूड के माध्यम से आपको दवाई देंगे, जिस अपने को जो रोग हुआ है वो तो क्या पथ्य पालना है, कौन सा फूड खाना नहीं है, कौन सा खाना है, कौन सी सब्जी नहीं खाना है, कौन सा खाना है, ये डाइट के माध्यम से आपको दवाई करेंगे। और कुछ हम लोगों ने आपने देखा होगा बचपन में हम लोग मिक्सचर लेते थे अलग अलग फॉर्म में, वो कंटेंट्स है किसी फ्रूट्स के और सब्जियों के, तो वो कंटेंट्स हम लोग को तो एडिशनल कुछ देंगे जिन्होंने कुछ दिया है इसमें अलग अलग, ये सब कुछ आते हैं, सब चीज हमको मालूम है, लेकिन हम लोग को इसमें विश्वास नहीं करते। मुझे लगता है कि अपना विश्वास के प्रति बढ़ाना चाहिए और खासकर हमारे देश में तो हमारा 100% विश्लेषण तो होने करने की जरूरत है, और इसका लाभ कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा होने का लिए ऐसे हमारी आयुर्वेदिक एक पैथी है, इसलिए हम सब इसका जरूर लाभ लेंगे। और मैं खासकर इनका आभार करना चाहूंगा कि हमारे छोटे से गाँव में गोंडिया में इतने दूर से आकर हमारा एक क्लिनिक खोलने की हिम्मत की, और हमारा शुक्ला परिवार और सुमान्य परिवार इसको आगे बढ़ाएगा। और हमें सभी इन लोगों को भी विश्वास है, ये सब पुरानी यहाँ की फैमिली है, डॉक्टर्स हैं, तत्व भी लोग हैं, तो ये निश्चित ही हमारे लोगों को इसका लाभ होगा।